1975 के आपके जो वर्ल्ड कप डेब्यू था वो PSL 7 की ओपनिंग एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो क्लिप्स यूज किए गए थे और दिखाया गया था। तो हम आप हमारे साथ हैं, तो फिर मौके को हमने गनीमत जाना और उसे फायदा उठाते हुए, क्या माहौल था, क्या लम्हा था, पहली मर्तबा जावेद मियादाद इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की पिच पर मौजूद थे, जब क्या था वो? नहीं बिल्कुल, देखिए उस वक्त है ना वनडे क्रिकेट का तो इतना ना पॉपुलर भी नहीं थे ना जी जी, और बहुत कम खेला करते थे। और जब मैं पिक हुआ टीम के लिए तो लाजिम आते कि अल्लाह का इतना करम था, शुक्र था कि मैं अपने मेरिट पे था। बिल्कुल, और फिर वही क्रिकेट यह है, पहले दिन से ही उसी तरीके से खेली है कि जो एंड में भी ये नहीं हुआ कि मैंने पहले दिन, तो पहले दिन से ही जो है माशाल्लाह हर चीज़ जो थी। और सबसे पहले जो सुन रहे मुझे, देखिए आपने अपना माइंड जो है ना उसको अलर्ट रखना है हमेशा, आपने जब खेलने जाना है या उससे पहले जो टीम आएगी उसको एसेस बैट्समैनों को अपने आप करना होगा, और ख़ास तो जो की बैट्समैन है उनको फिर यानी कि नेट में भी उसी तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप किसी भी बॉलर को, जो बॉलर आने उसी के एंगल से उसी के ना जैसे उससे आप अगर खेलते हैं तो बड़ा फर्क पड़ जाता है, जब आप खेलने जाते हैं तो आपको वही चीज़ नज़र आती है। तो मैं जो सुन भी रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि जब आप मैच खेलने जाते हैं सामने टीम को, आप उनको देख लें क्या क्या करते हैं क्या, तो अपने नेट में प्रैक्टिस में आप उसी तरीके से बैट्समैनों को चाहिए थोड़ी प्रैक्टिस करवाएं करें, और बॉलर को बोलें इस तरीके से करें इस तरीके, तो आप अपना होमवर्क पूरा कर लेते हैं। फिर आप जाते हैं बैटिंग पे, मेन मैच में जाते हैं, क्रीज पे जाते हैं, तो आप जो खेल के आए हुए होते हैं तो आपको सब चीज़ पता होती है, ये बॉलर ये करेगा ये, तो आपका बैट जो है अकॉर्डिंग टू है ना बॉल आने लगता है। पहुंचाई जाती है, खुद भी फोन करके जावेद मशवरे लेते होंगे। तो आज आप टोटका घरेलू टोटका बताइए लाहौर कलंदर के लिए, तो जावेद भाई ने बताया है कि बैटिंग के लिए कर लेंगे, हम दूसरे मैच के लिए जो है वो बात करते हैं क्योंकि आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी जो है वो साथ हैं। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर का रात में मैच होने जा रहा है, जावेद भाई अगर आपको आवाज आ रही है तो उनके बारे में आप क्या आज मियादाद के बोल में क्या टिप देना चाहेंगे उन्हें? देखिए सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए क्रिकेटर्स को सारी चीज़ पता होनी चाहिए, अगर मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो मुझे अपना होमवर्क खुद करना पड़ेगा। जो भी सुन रहे हैं बच्चे क्रिकेट के लिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपने अपना होमवर्क करना है। क्रिकेट इंडिविजुअल भी है कलेक्टिवली भी है। इंडिविजुअल जब आप बॉलिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल, बैटिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल, और कलेक्टिवली डेफिनेटली आपको ना प्रैक्टिस ये मिलती है, फील्डर मिलते हैं, सारे मिलते हैं। तो क्रिकेट में हर आदमी को अपने आप पहले प्लान बनाना होता है, और टीम में तीन चार की प्लेयर होते हैं और उन्हीं के ऊपर है ना ज़्यादातर टीम जो है रिलाई कर रही होती है। तो वो प्लेयरों को अपने आप को बड़ा तैयार करके रखना चाहिए, ख़ासतौर नेट प्रैक्टिस में आप वो शॉट खेलें जो आपके लग सकते हैं, ये ना करें कि आप बैटिंग में जा रहे हैं वो शॉट खेल रहे हैं जो आपने अप्लाई नहीं किए। तो अप्लाई करने से ये होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है और आपको पता होता है कि ये शॉट मैं मार सकता हूँ। ये जैसे मैं था, मैं रिवर्स स्वीप यस मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं मार सकता था, तो अक्सर मिल जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस होता है। तो मैं हम टीचिंग भी करना चाहते हैं कि प्लेयरों को जो सुन रहे हो मुझे लाजिम बात है, आपको एक अच्छा मौका है जो आए मैं अपने प्लेयरों को बच्चों को बता के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।